सो गाइस, अगर आप लोग अपने चैनल के लिए, एक यूट्यूब चैनल के लिए एक टॉकिंग करेक्टर बनाना चाहते हैं एआई के थ्रू, जो कि काफ़ी सारे लोग इस वक्त ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, तो एक परफेक्ट वे है नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ और वो बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में एक करेक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ये सिंपल सी एक इमेज तैयार की है, यहाँ पे आप देखोगे तो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मेरे को वो अच्छी नहीं लगी इमेज, तो हमने इसको चेंज किया और कुछ इस तरह की इमेज हमने बनाई। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत ये है कि यहाँ पर मुझे एक लैपटॉप चाहिए अच्छा सा, एंड ये जो यहाँ पर एक मैन की तरह यहाँ पर जो शो हो रही है इमेज, इसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो वो भी मैंने किया बहुत अच्छे तरीके से, ये देखो ये हमने कर लिया था और यहाँ पे लैपटॉप हमने लगा दिया है, जो कि आप देख सकते हो एडोबी से हमने किया है। ये बिल्कुल फ्री में आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट इमेज मेरे पास आ गई थी, जो कि किसी भी चैनल के लिए टॉकिंग करेक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है ना, ये वाली, ये मैंने बाद में तैयार की थी। अगर आप देखोगे तो इसमें माइक मैंने इसके हाथ में दिया था, जो कि पहले नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसी इमेज को एनिमेट करने की कोशिश की, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक्चुअल में कर सकता हूँ या नहीं, ये हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इस इमेज का जो मैंने वीडियो फॉर्मेट बनाया वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली टॉकिंग एनिमेशन है और डेफिनेटली आप इसे बेहतर तैयार कर सकते हो, मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ मैं रिसर्च तौर पर सीखने के लिए ये कर रहा था, ठीक है। तो आप अब किसी भी इमेज को, अब मैं किसी भी इमेज को इस तरीके से बना सकता हूँ, कुछ भी एलिमेंट जो है वो चेंज कर सकता हूँ और एक टॉकिंग करेक्टर किसी भी तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ और डेफिनेटली आप बिल्कुल फ्री में अपने चैनल के लिए एक एनिमेशन, एक टॉकिंग एनिमेशन वाला करेक्टर जो है वो AI के थ्रू बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखूंगा मैं, आपको आसानी से समझ में आएगा और आप ये काम फ़ोन से भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आपको पता है, लियोनार्डो AI हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके जैसे और भी टूल हैं, तो आप जिसका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, जिसको आपको चलाना आता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बाकी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको सब चीज़ें। तो सिंपली आपने लियोनार्डो AI पे आना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना फ्री में अकाउंट बना लीजिएगा। एक ईमेल का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक है, इजीली फ्री में अकाउंट आपका बन जाएगा, कोई पैसा आपको नहीं देना है। फिर आपने इसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इमेज जनरेशन, ये जो है ना AI इमेज जनरेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। जस्ट कपल ऑफ सेकेंड आपको वेट करना है एंड यहाँ पे जो है सब डिफ़ॉल्ट रहने देना आप, और जो चीज़ें मैं चेंज करूँगा वो चीज़ें आपने भी चेंज करनी है। पब्लिक इमेज एंड इमेज डायमेंशन, तो ये जो इमेज डायमेंशन है ना, तो इसको हाईएस्ट कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये हाईएस्ट है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड देन रेशियो आपको मेक श्योर चूज़ करना है यहाँ से 16:9 का, ये वाला, ओके। अब इन दोनों को एक बार फुल कर दो, ये फिर से रीसेट हो जाएगा एंड एक बार फिर से आप इसने रेशियो जो है आपने फिर से सेलेक्ट करना है। तो अब ये परफेक्ट है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखो गाइडेंस स्केल इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे एंड थोड़ा और नीचे आएंगे तो ठीक है, इतने सब चीज़ें हैं। एंड शो एडवांस पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, रिकमेंड साइज, ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको रखना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ऊपर आपके पास ये होगा नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर पहले जो बनाई थी इमेजेस उसका डेटा है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज करनी है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको ये जो ऑप्शन है ना, एब्सोल्यूट रियलिटी वर्जन 1.6, इस पर आपने क्लिक रखना है, ठीक है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी कि ये यहाँ पे रीसेट हुई हैं चीज़ें, तो आपने इसे फिर से सेट करना है। ये देखो ये चेंज होती रहती हैं, ये बड़ी दिक्कत करती हैं, तो यहाँ से मैं फिर से चेंज करूँगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये रखा है, अब आपको चाहिए कमांड एक करेक्टर बनाने के लिए, एक फ़ोटो बनाने के लिए, तो वो भी मैंने लिख के रखी हुई है यहाँ पे, इधर उधर से हमने कुछ करके देख के सीख के और ये कुछ कमांड्स हमने बनाई हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सिंपली एक बार के लिए आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है, उसके बाद जैसे आप चाहो वैसे चेंज कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ये देखो एक यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ये जो है इसमें भी आप ये साइड पोज, साइड व्यू, ये सब चीज़ें रख सकते हो, ताकि ये साइड पोज ना बनाए, आपको पता है कि वो हमेशा ऐसी ही इमेजेस जनरेट करके दे देता है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सो गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर देखोगे तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब करने के बाद सिंपली आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको और देखेंगे किस तरह की इमेज ये बनाता है, अगर परफेक्ट है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वरना थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने प्रॉम्प्ट्स में कर सकते हो, ओके। तो ऑलमोस्ट इसने हमें इमेज एक बना दी है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार की है, ओके। तो ये मुझे कुछ बेहतर नहीं लगी है, हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ से इमेज की जगह पोर्ट्रेट की जगह पे लिखूँगा इमेज
of a 25-year-old man sitting in a chair in a studio looking straight and center. ये थोड़ा सा चेंज हमने किया है एंड मैं अगेन इसको जनरेट करूँगा, ठीक है। मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा बार बार करते रहें। फ्री अकाउंट बना सकते हो आप, एक और बना लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फ्री में काम हो रहा है तो एक परफेक्ट इमेज जो भी आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए सही है तो उस वैसे जब बन जाए तब आपने रुक जाना है। 3-4 बना लेना, मैंने भी बहुत सारी इमेजेस बनाई थी। तो एक और हमें इमेजेस मिली हैं, तो आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की है। इसमें कहीं ना कहीं मास्क में दिक्कत है ना, तो यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा, वीरिंग मास्क। अब एक बार फिर से जनरेट करते हैं, 9 टोकन जो है हमारे यहाँ पर लगेंगे क्रेडिट्स जो है, और देखते हैं आई होप कि इस बार हमें एक सही इमेज मिल जाएगी। सो गाइज, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। ये देखो मैंने काफ़ी सारी इमेजेस बनाई हैं, अभी तक मुझे एक परफेक्ट इमेज जो चाहिए वो नहीं मिली है। तो मैं आपको अभी के लिए कुछ इसके कमांड्स और बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको और बेहतर इमेज मिल जाएगी। आपको थोड़े चेंजेस करते रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मान लो कि जो भी इमेज आपको लगता है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पर ये वाली इमेज ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी है, बस सिर्फ आपको आगे की प्रोसेस बताने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो है ये वाली, देखिए आप ये क्या करेगी, अभी इमेज का जो व्यू है थोड़ा सा बढ़ा देगी। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके। अभी थोड़ी टाइम आप वेट करिएगा, इसको देखते हैं। एक तो ये काम हमने कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे HD स्मूथ अपस्केल, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आपके क्रेडिट्स लगेंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये थोड़ा इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, इमेज ज़्यादा साफ हो जाएगी, HD इमेज बन जाएगी आपकी, ओके। अभी देखो मैं व्यू पे क्लिक करूँगा ये कम्प्लीट होने के बाद। यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी इमेज बन चुकी है और काफ़ी HD है। इसके अंदर आप कई सारे तरीकों से देख सकते हो, जैसे कि अनजूम इमेज, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक वाइड व्यू में आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ से आपका जो एक स्टेप है वो कंप्लीट होता है कि आप सबसे पहले जो भी आपको इमेज चाहिए वो यहाँ से आप डिज़ाइन करोगे, एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है उसके अंदर जो चेंजेस आपको करने हैं, कुछ चीज़ें आपको बदलनी है, तो उसके लिए हम Adobe Firefly, ये जो आप देख रहे हो इस वेबसाइट पर आपने आ जाना है, firefly.adobe.com, एंड सिंपली आपको यहाँ पर भी अपना फ्री में अकाउंट बनाना है, ठीक है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जनरेटिव फिल, इस पर आपने जनरेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद उस इमेज को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ओके। ये देखो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके अंदर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हैंड यहाँ पे शो हो रहा है और ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको चेंज करेंगे। इसको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, और नीचे आपको क्या चाहिए वो आपने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा गेमिंग PC, ठीक है, गेमिंग PC लिखेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे, ओके। तो आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको फॉर्मेट सही लगेगा वो आप रख लेना। जैसे कि एक बार के लिए सिर्फ मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये ठीक है, अभी मैं इसको कीप करूँगा, यानी कि यही रखूँगा। और कुछ भी आपने चेंजेस करने हैं यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे इतना करूँगा मैं चेंज, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माइक विद स्टैंड। तो इसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो माइक कैसे बनाया है इसने, ये सही नहीं है, ये कुछ ठीक है, और भी हम यहाँ से ले सकते हैं, सिंपली आपको मोर पे क्लिक करना है। ये सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली आप बना सकते हैं, और कोई आपको कुछ प्रीमियम टूल लेने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली तो फ्री में बना सकते हो आप लोग, बाकी ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। पूरी वीडियो आप देखो, और जैसे कि ये है तो माइक कोई भी सही नहीं है। तो जो भी आपको सही लगे यार, उस तरीके से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, ट्राई करते रहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो टाइप करना है आपको सेलेक्ट करके। अभी के लिए मैं ठीक है इसको ओके करूँगा, हालांकि देखो माइक कैसे खड़ा है, मुझे तो स्टैंड यहाँ पे शो नहीं हो रहा कहीं, बट स्टिल ओके। और सिंपली आपको कीप पे क्लिक करना है। जब आपको लगे कि आपकी इमेज रेडी है, कोई भी चेंजेस आपको करने कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको चेंज करने हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अलमारी लिखोगे तो पीछे अलमारी आ जाएगी। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, हम आगे की प्रोसेस पे चलेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ओके। ये देखो ये भी हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इमेज हमारे पास है, जैसे आप चाहते हो वैसे आपने बना लेनी है लियोनार्डो और जनरेटिव फिल का इस्तेमाल करके। अब हमें सिंपली इसको एनिमेट करना है, और कोई भी टूल ऐसा AI का नहीं है जो मास्क वाली इमेज को एनिमेट करे, लेकिन एक टूल है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है studio.did, ओके। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, सबसे पहले फ्री में अपना अकाउंट बना लेना है। आई होप कि आप सबको पता होगा, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी आपको चलाना नहीं आता या कुछ मिल नहीं रहा है या कुछ भी आपको इशू आता है ना, तो आप लोग कमेंट करना बिंदास, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद ना जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है।
ओके, ये देखो मैंने वो यहीं से बनाया था। और यहाँ पर आपने ये जो प्लस वाला साइन है इस पर क्लिक करके उस इमेज को अपलोड करना है जो अभी अभी हमने बनाई थी। तो वो इमेज आप यहाँ से लोगे प्लस पे क्लिक करके। ओके, ये देखो ये इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ भी आपने टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देने हैं। हालांकि क्योंकि आप जो टॉकिंग करेक्टर बनाते हो अपने चैनल के लिए, एक्चुअल में वो उसकी आवाज़ आप कहीं भी नहीं सुनाते हैं, आप आपका वॉइस ओवर होता है, सिर्फ आपको एनिमेशन चाहिए होता है, तो जो वॉइस है वो तो म्यूट ही रहती है, तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से एक लाइन लिख दी है, कुछ भी आप इसके अंदर जो चेंजेस करने हैं वॉइस ओवर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। बाकी हमें तो एक्चुअल में सिर्फ एक एनिमेशन चाहिए, तो इसलिए मैं इतना रखूंगा एंड सिंपली जनरेट वीडियो पर क्लिक करेंगे। ओके, ये आपको शो करेगा एंड देन सिंपली जनरेट एंड बूम गाइज, आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ये कुछ ही सेकंड में बना देता है। तो चलिए प्ले करके देखते हैं इसको। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो ये देखो कितना अच्छा एनिमेशन है। थोड़ा हैंड्स को आप और अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हो, अब जितना आप चाहें उतना लंबा कर सकते हो, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये 3-4 सेकंड की वीडियो बनाई है हमने, और क्योंकि ये फ्री अकाउंट, अब इसमें एक दिक्कत है जो आपको भी महसूस हो रही होगी, वो है ये वाटरमार्क। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको भी पता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं बताऊंगा तो नहीं अभी, लेकिन AI वाले बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ये वाटरमार्क इजीली रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली। वो ऑटोमेटिक फैच करेगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। एक और तरीका है, सिंपली आपको प्राइसिंग पे क्लिक करना है, इससे आपको वाटरमार्क नहीं आएगा। तो ये देखो लगभग 350 रुपये का ये प्लान है, इसको आप ले सकते हैं, और आप 350 में ये जो वाटरमार्क है वो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप देखोगे वाटरमार्क तो आएगा, बट इस तरीके से आएगा छोटा सा, पूरी वीडियो पे नहीं आएगा, ये देखो। ठीक है, तो 350-400 रुपये लगेंगे आपके, और 10 मिनट तक की वीडियो आप बना पाओगे, छोटा सा वाटरमार्क आएगा। तो अब आपको मैंने दोनों ही ऑप्शन बता दिए हैं, आप वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं और इसको परचेज करके अच्छी खासी नॉर्मल वीडियो भी बना सकते हैं बिना वाटरमार्क के। सो गाइज, आई होप कि प्रोसेस आपके लिए बहुत ही आसान रही होगी। आप लोग ऐसे बना सकते हैं अपने चैनल के लिए कोई करेक्टर आपको बनाना है, और यही एक तरीका है बिल्कुल फ्री में बनाने का, और वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। मैंने जो वीडियो दिखाई थी आपको वो भी ऐसे ही बनाई थी, और इसमें बहुत कम वाटरमार्क जो है वो शो होता है, हालांकि मैंने इंटेंशनली पूरा उसमें से हटाया भी नहीं। तो वीडियो बनाई जा सकती है फ्री में, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।